हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल। मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में मिक्स डीआई। तो डीआई ऑलमोस्ट देखिए आपकी कंप्लीट होने वाली है, एक दो टॉपिक रहते हैं डीआई के, वो आपको मैं कवर करवा दूंगा। आज जो डीआई रहेगी वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट डीआई रहने वाली है। मिक्सड वर्ड से आपको पता लग गया होगा, यानी कि कहीं ना कहीं एक चीज का मिश्रण है, यानी मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहेगा डे नंबर 22। जैसे ही आपका डीआई कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स कवर होंगे, वो भी टाइप वाइज क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? यानी कि हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो डीआई कंप्लीट होने से पहले पहले जितने भी आपके टॉपिक है, जैसे कि नंबर सी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इनके बेसिक सब कुछ आप अच्छे से क्लियर करके रखना। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो यूज होंगे, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम इतना नहीं मिल पाएगा कि आप बाकी के टॉपिक्स पे अपना कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड कर पाओ। क्योंकि डीआई पे भी आपको टाइम देना पड़ेगा, अर्थमेटिक पे भी टाइम देना पड़ेगा, और फिर नंबर सीरीज को कब कवर अप करोगे, फिर मॉक टेस्ट भी लगाने, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिए बर्डन ज्यादा हो जाएगा। तो उन टॉपिक्स को पहले से ही तैयार रखूं। तो मिक्स डीआई मैंने वर्ड से ही बता दिया था। यहाँ पे आपको दो कंप्लीटली डीआई का मिक्सचर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे तो आपको देखिए, एक तो बार ग्राफ गिवन है, एक लाइन ग्राफ गिवन है। बट ऑलमोस्ट केसेस में होता क्या है, कभी आपके पास बार ग्राफ होता, कई बार टेबल होता, कई बार पाई चार्ट होता, यानी कोई भी दो डीआई का मिक्सचर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पहला जो आपको यहाँ पे बार ग्राफ शो कर रखा है, ये बार ग्राफ क्या शो करता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है स्कूल ए और बी में। स्कूल ए है ब्लू कलर का, जो सेकंड है ये है बी, यानी कि स्कूल ए में अगर हम क्लास फर्स्ट की बात करें तो ये है, ठीक है, और स्कूल बी ये है। तो इस तरह से कुछ डेटा आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का आपका बार ग्राफ में गिवन है। अब बारी आती है लाइन ग्राफ की। लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ में नंबर ऑफ गर्ल्स शो करता है स्कूल ए एंड बी में, यानी कि ये आपका जो स्कूल ए है इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स, जैसे अगर क्लास ए की बात करें तो 50 गर्ल्स है, ठीक है, इसी तरह से स्कूल बी की यहाँ पे आपकी मेंशन की रखी है। यानी कि हर एक डेटा आपके पास यहाँ पे गर्ल्स का है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट का। अगर आपसे पूछता कि स्कूल ए में क्लास फर्स्ट में बॉयज कितने, तो क्या करोगे, स्कूल ए के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, कितने है, 125 है, उसमें से यहाँ पे क्या करो, गर्ल्स माइनस कर दो, बचे हुए क्या हो जाएंगे, आपके बॉयज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज इन क्लास सेकंड फ्रॉम स्कूल ए टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन क्लास थर्ड फ्रॉम स्कूल बी। तो आपको रेशियो बताना है कि स्कूल ए से क्लास सेकंड के बॉयज का किसके साथ, स्कूल बी के क्लास थर्ड के बॉयज के साथ। यानी कि पहले हमें स्कूल ए में से क्लास सेकंड के बॉयज निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम देखिए, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ स्कूल ए, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, स्कूल ए की बात करते हैं। तो पहले हमारा क्या है कि हमें टोटल स्टूडेंट पता करना पड़ेगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आप यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके, क्लास ए की बात हो रही है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्कूल ए की क्लास सेकंड की, तो कितने हैं ये वाले 175। यानी हमारे पास टोटल स्टूडेंट टीएस के साथ मैं मेंशन कर रहा हूँ, यानी 175 है। अब क्या करना है, आपको गर्ल्स फाइंड आउट कर लीजिए तभी, क्योंकि टोटल में से अगर गर्ल्स माइनस करोगे तो बॉयज बच जाएंगे। अब स्कूल ए में आपकी गर्ल्स कितनी है, स्कूल ए में यहाँ पे कौन सी क्लास की बात हो रही, क्लास सेकंड की बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज आप भूल मत जाना। तो ये ठीक है, अब ये कितनी है, 75 है। देखिए कैसे आपको पता लगा, 50 के बाद 60 ये वाला, फिर 70 और इसके बीच में है, तो यानी 75। तो यहाँ पे गर्ल्स यानी जी से डिनोट कर देता हूँ, ये हो जाएंगे आपकी कितनी, 75। तो बॉयज कितने हो जाएंगे, टोटल में से गर्ल्स माइनस करेंगे बॉयज बचेंगे, यानी 100। हमें पता लगे बॉयज कितने हैं, 100। स्कूल ए का काम कंप्लीट हुआ, अब स्कूल बी की बारी। स्कूल बी में आपके देखिए टोटल स्टूडेंट पहले पता कीजिए, आप स्कूल बी में कौन सी क्लास में कहा था आपको, क्लास थर्ड में, तो स्कूल बी क्लास थर्ड ये रहे, कितने हैं आपके, यहाँ पे देखिए ये जो एक लाइन है ना, एक 25 की है, यानी 150 हो जाएंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 150 हो जाएंगे स्कूल बी से। अगर फिर गर्ल्स की बात करें तो वही आप क्लास थर्ड में देख लीजिए, क्लास थर्ड में यहाँ पे गर्ल्स कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, कितनी है ये, 30 है, क्योंकि देखिए 10 20 30, तो मैं इसमें से क्या कर दूंगा, 30 माइनस कर दूंगा, तो कितने बच जाएंगे आपके, 120 पीछे बच जाएंगे। तो रेशियो अब निकाल लीजिए, शो रेशियो 120, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 10 और 2 6 12, यानी 5:6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। देखने में सिंपल है भी सिंपल, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर मिक्स डीआई से आपको पूछ ले, जैसे कि आपको टाइम एंड वर्क से पूछ ले, पाइप एंड सिस्टम से पूछ ले, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछ ले, तो इस तरह से वो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। दो डीआई का जब मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा नहीं, यानी कि दो डीआई जिसमें आपको, यानी दो तरह से कह सकते हैं कि दो डीआई देखने को मिलेगी, जिसमें चाहे पाई चार्ट हो, ठीक है, थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, पाई चार्ट और टेबल हो, ये अगर दो आपको देखने को मिल जाते हैं, या इसके अलावा इनके पीछे कोई भी हो, ये सिर्फ आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। यानी मोस्टली केसेस में 70-80% में चीजें मेंस में आती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि सिंपल आए, सिंपल कभी नहीं आएंगी मेंस में, मेंस में आएंगे अर्थमेटिक बेस्ड,
ठीक है। तो इन चीजों को स्किप मत करना, पहले अपने बेसिक्स क्लियर करके फिक्स मिक्स डीआई करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम स्कूल ए इन क्लास थर्ड एंड सिक्स्थ टुगेदर एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द स्कूल बी इन क्लास फोर्थ एंड सिक्स्थ टुगेदर। यहाँ पे पहले स्कूल ए के क्लास थर्ड और सिक्स के बॉयज निकाले हैं, उनका डिफरेंस आपको बताना है स्कूल बी के क्लास फोर्थ और क्लास सिक्स के गर्ल्स के साथ। तो वहीं यानी कि आपको डेटा समझना है, एक पॉइंट भी मिस मत कर देना। पहले स्कूल ए की बात करते हैं, स्कूल ए में क्लास थर्ड और क्लास सिक्स के बॉयज यानी पहले क्लास थर्ड के बॉयज निकालने पड़ेंगे, और बॉयज कैसे आएंगे, टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स माइनस करेंगे। तो क्लास थर्ड में आप देखिए स्कूल ए में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है टोटल, यहाँ पे देखिए कितने हैं आपके पास, 100 है। कितने हैं टोटल स्टूडेंट, 100 है। अब क्लास थर्ड में गर्ल्स चेक कीजिए, क्लास थर्ड में अभी आप गर्ल्स चेक करेंगे ना, स्कूल ए की बात हो रही है, यहाँ पे कितनी है आपकी, यहाँ पे कितनी है 80, यानी यहाँ पे कहूं मैं 100 में से 80 गए, कितने बचे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट थे 100 और उसमें से मैंने गर्ल्स माइनस कर दी, तो कितने बचे 80, 100 में से 80 गए तो कितने बचेंगे 20, यानी हमें पता लग गया कि क्लास थर्ड के हमारे पास जो बॉयज आए थे वो कितने आए, 100 में से 80 गए, 20 बच गए। ठीक है, ये मैंने ओरली आपको बताया है, क्लियर है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट आपको पता लग गए, आपका बार ग्राफ में मेंशन है, लाइन ग्राफ में गर्ल्स है, टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स माइनस कर दो, यानी 100 में से 80 गए तो 20 बचेंगे, क्लियर है। अब क्लास सिक्स की बात करते हैं, ठीक है, स्कूल ए में क्लास सिक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, क्लास सिक्स ये रही, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे 400 है। ठीक है, अब क्लास सिक्स में गर्ल्स कितनी है स्कूल ए से, तो ये रही आपकी गर्ल्स कितनी है, 160 है। ठीक है, 50 से 10 ही ऊपर है, नहीं 160। अब 400 में से 160 गए थे कितने बचते हैं, 240। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, 400 में से अगर 160 गए तो कितने बचेंगे, 0, 10 में से 6 गए 4 और 3 में से 1 गए 2, यानी 240। 240 में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, इन दोनों का सम यानी टुगेदर कहा था ना इसने, तो दोनों का सम 240 प्लस 20 कितना होता है, 260। तो हमें स्कूल ए का डेटा हमारे पास आ गया, बॉयज हमें पता लगे क्लास थर्ड और सिक्स के स्कूल ए से। अब स्कूल बी की कौन कौन सी गर्ल, क्लास की गर्ल्स के बारे में पूछा, क्लास फोर्थ और सिक्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे बी में मेंशन कर दूंगा क्लास फोर्थ पहले। तो आप फोर्थ का डेटा सीधा निकाल सकते हो क्योंकि आपको गर्ल्स पूछी है, वो तो ऑलरेडी मेंशन है। क्लास फोर्थ की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्कूल बी की कर रहा है, स्कूल बी वाला डेटा ये नीचे वाला है, ठीक है, तो ये नीचे वाला है, ये वाला डेटा कितनी है, 80 है ना, यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखाई दे रही होंगी कि जैसे 60, 70 और 80, तो यहाँ पे क्लास फोर्थ में 80 गर्ल्स हो जाएंगे। इसके बाद किसकी पूछी थी, क्लास सिक्स के बारे में, तो क्लास सिक्स का मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे आप चेक कीजिए कितने आ रही है आपकी, 140, ठीक है, यानी 140 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। कितना सम आ रहा है इन दोनों का, 0, 8, 4, 12, 1 कैरी, यानी 220, कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है, 40 का, तो वही आपका राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। और ये क्वेश्चन ओरली सोल्व करने वाला है, पेन और पेपर की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ना ही तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, ना ही कुछ और था, यानी एडिशन करके डिफरेंस करना था आपको, बस दैट्स इट, इतना ही तो करना था, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन क्लास सेवन फ्रॉम स्कूल ए इज 40 मोर देन द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन क्लास सिक्स एंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम सेम स्कूल इज 500, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सेवन फ्रॉम स्कूल ए। यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स हैं क्लास सेवन्थ में सिक्स के कंपैरिजन में स्कूल ए से 40 ज्यादा हूं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कहीं भी क्लास सेवन मेंशन नहीं कर रखा, यानी कि क्लास सेवन की आपको निकालनी है। क्लास सिक्स में जितनी भी गर्ल्स थी स्कूल ए से, उससे क्लास सेवन्थ में गर्ल्स कितनी होंगी, 40 ज्यादा होंगी। ठीक है, तो मैं कहूंगी क्लास सेवन्थ की अगर मैं गर्ल्स निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं ना, क्योंकि सिक्स में से जितनी गर्ल्स हैं उसको 40 ऐड कर दूंगा, तो क्लास सेवन्थ की गर्ल्स आ जाएंगी। और आपको टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं क्लास सेवन्थ के सेम स्कूल यानी स्कूल ए के 500, और आपको बॉयज बतानी है, यानी कि टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स माइनस कर दो, आपके बॉयज आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात, आपके पास टोटल स्टूडेंट है जो क्लास सेवन्थ के मेंशन कर रखे हैं वो है 500, ठीक है, ये तो हो गए टोटल स्टूडेंट। अब गर्ल्स कैसे आएंगी, इसने क्या कहा कि 40 ज्यादा है क्लास सिक्स वाली गर्ल्स है और स्कूल ए की, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि कितनी गर्ल्स है क्लास सिक्स में, आप गर्ल्स चेक कीजिए कितनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको गर्ल्स पता लग गई ना, उसमें से आप 40 ऐड कर दोगे, ठीक है, तो कितनी आ रही है, 160, 160, और इसने क्या कहा 40 ज्यादा है सेवन्थ में, 160 प्लस 40 यानी 200, तो हमें पता लग गया गर्ल्स कितनी है 200, और हमें बॉयज निकालने, तो इसमें से माइनस कर दो, यानी 300 अपने बॉयज आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बस इतना ही आपको करना था, सिंपल है ना चीजें, बस क्वेश्चन को समझाओ और आंसर कर दो। ये चीजें बिल्कुल इजी हैं, इस तरह की आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बट ये आपको एक समझाने के लिए था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट कराने के लिए था कि अगर मिक्स्ड ये आती है ना तो कुछ इस तरह से आपको डेटा आपको दिया होता है। और प्री में नहीं आती है, मेनली मेंस का कंटेंट रहता है कि मेंस में सबसे ज्यादा पूछी जा सकती है और मेंस में ऑलमोस्ट अर्थमेटिक बेस्ड। और मैं आपको अर्थमेटिक पे अभी क्यों नहीं करवा रहा, मेन रीजन है मैं बताता हूँ आपको, अगर अर्थमेटिक की जो हाई लेवल की डीआई अगर आपको अभी करवा देंगे ना तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे बूस्ट नहीं कर पाएगा। ये हमारा जो पैटर्न है यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कराने का। अब डीआई पहले क्यों करवाइए, समझना चीज को, क्योंकि जब हम अर्थमेटिक को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक अच्छा है, क्वेश्चन इससे वैसे भी बनते हैं और इससे डीआई भी कराएंगे आपको, डेटा इंटरप्रिटेशन जितनी भी टाइप की डीआई बन सकती है इससे सारी की सारी जब हम अर्थमेटिक का टॉपिक करेंगे ना वो कराएंगे, प्लस इसके साथ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके साथ मैंने टाइम डीआई क्यों कवर करवाने के लिए कहा, क्योंकि अर्थमेटिक का टॉपिक अगर आपको समझ आ गया ना तो उससे डीआई भी कर लोगे, डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस कर लोगे, तो इसके लिए इनको पहले मेंशन किया गया था ताकि आपके बेसिक समझ पाओ कि मिक्स डीआई होती क्या है एक्चुअल में, पाई चार्ट होता क्या है। तो ये चीज अगर अभी समझ गए तो जो मेन डीआई है जो आपके सही में कह सकते हैं कि एग्जाम लेवल की डीआई है, हार्ड लेवल की डीआई है, टॉपिक जब अर्थमेटिक का स्टार्ट होगा ना तो उसके साथ साथ उसके टॉपिक बेस्ड ही डीआई आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है क्वेश्चन थर्ड तक, क्वेश्चन फोर्थ है ये रहा, इसमें क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए एंड बी इज द मैक्सिमम इन विच क्लास, यानी स्कूल ए और बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच में किस साल में सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ओरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो क्लास सिक्स है इसके बीच में जो ग्राफ में देखिए सबसे ज्यादा डिफरेंस ग्राफ में किसके बीच दिख रहा है, इधर इधर कितना डिफरेंस है 100 का, तो क्लास सिक्स है सीधी सी बात है, और चेक करोगे तो कम ही डिफरेंस है ना इसके कंपेरिजन में, तो यहाँ पे सिक्स नहीं है, तो दैट्स मीन नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर रहेगा। ये चीजें आपकी 2016-17 तक आती थी, अब 18 की बात करें तो 18 में भी 2018 का जो एग्जाम होता था तो इस तरह की डीआई आपको देखने को मिल जाती थी, प्री की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। बट देखिए मैं कहता हूं कि अपने आप को सबसे बेस्ट प्रिपेयर कर लो किसी भी सब्जेक्ट में, 2019 का एग्जाम आए ना तो ये मत सोचो कि इजी पूछेगा, ये सोच के जाओ कि टफ से टफ पूछेगा, अगर टफ से टफ अगर पूछ लेता है तो आप कहीं ना कहीं तैयारी करके गए हो, उसमें अच्छा कर सकते हो। अगर आप ये सोच के चले जाते हो कि इजी पूछेगा, ज्यादा हार्ड नहीं आई थी प्रीवियस ईयर में, मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूंगा, अगर टफ दे देगा तब आप क्या करोगे, तो पहले से अपने आपको उस तरह से एक माइंडसेट बना लो कि टफ आएगा पेपर, मैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। और यानी टफ से टफ डीआई तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए सीखी हुई चीज है ना कहीं लाइफ में काम आती है, आगे आपको काम आएगी जब जॉब लग जाओ, उसके अलावा भी जो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो जैसे कि टीचिंग हो गया, ठीक है, टीचिंग एक बेस्ट प्रोफेशन है, पार्ट टाइम जॉब भी है, आप एक दो घंटे पढ़ा के वहां से भी कुछ अर्न भी कर सकते हो और अपनी नॉलेज को भी कहीं ना कहीं बूस्ट कर सकते हो। आपको भी पता होगा कि जब आप बैंक ज्वाइन करते हो तो इंटरनल एग्जाम भी होते हैं बैंक में, प्रमोशन के लिए इंटरनल एग्जाम, अगर आरआरबी पीओ की बात करें, स्केल वन से टू में जाने के लिए इंटरनल जो आपके एग्जाम होते हैं, जो आपका ये बैंकिंग का ही कोई एक बॉडी होती है वो एग्जाम लेती है, आपका कंडक्ट कराती है, उसमें आपको सैलरी भी इंक्रीज होती है उसी बेसिस पे, आपके प्रमोशन भी उसी बेसिस पे मिलते हैं, तो इंटरनल एग्जाम में भी ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि ये चीजें अभी भी आप जैसे आपका एग्जाम निकल जाए ना इन चीजों को छोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आगे भी आपको काम आती रहेंगी, पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो या फिर और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एक्चुअल में क्या होना क्या चाहिए कि कभी भी अगर जॉब मिल जाए ना तो आप ये मत सोचो कि ठीक है हमने जॉब मिल गई अब तैयारी नहीं करेंगे यानी पढ़ेंगे नहीं, तो पढ़ते रहना हमेशा। कोई अब अभी आपने एसबीआई पीओ ज्वाइन कर लिया, आपको भी पता होगा एसबीआई पीओ में फॉरेन में जॉब करने की भी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि जिसका सपना है कि वो फॉरेन कंट्री में जॉब करे लाइक ऑस्ट्रेलिया फिर लंदन कहीं भी, मान ले कोई भी आपके ओवरसीज ब्रांचेज हैं इंडिया की, जो एसबीआई की 119 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, तो वहां भी आप जॉब कर सकते हो अगर एसबीआई पीओ आपने ज्वाइन किया है। फर्दर जो इनका इंटरनल कोई एक्चुअल में इनका कुछ प्रोसेस होता है वो मेरा एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, बट है इनका इंटरनल ये है कि आप ओवरसीज ज्वाइन कर सकते हो, वो जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको पता लग जाएगा। तो पढ़ते रहना है, कभी भी ये मत सोचना कि जॉब मिल गई तो छोड़ दो, आपके आगे आपके बहुत काम आने वाली हैं चीजें। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम स्कूल बी इन क्लास सेकंड एंड फिफ्थ टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल बी इन क्लास थर्ड एंड सिक्स। आपको देखिए यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, स्कूल बी से सेकंड और फिफ्थ के बॉयज का सम करना है, वो अप्रोक्सीमेटली कितने प्रतिशत होंगे, कम या ज्यादा आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के स्कूल बी में थर्ड और सिक्स से।
तो पहले हम क्या करेंगे, स्कूल बी के सेकंड क्लास और फिफ्थ क्लास के बॉयज निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे स्कूल बी मेंशन कर देता हूं और पहले हम क्लास सेकंड के बॉयज निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ओरली सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे क्लास बी में, सॉरी क्लास सेकंड में स्कूल बी ये वाला डेटा है ना, और कौन सी क्लास की बात हो रही, क्लास सेकंड की बात हो रही है ना, तो यानी ये वाला डेटा, ठीक है, क्लियर है ये वाला डेटा। तो कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 150 हैं। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास सेकंड में स्कूल बी से 150 है। तो गर्ल्स और चेक कर लीजिए क्लास सेकंड में स्कूल बी से कितनी है आपकी, यहाँ पे देखिए कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है यहाँ पे आपकी 50 है ना, यानी कितनी है आपके यहाँ से स्कूल बी में 50, तो मैं माइनस कर दूंगा, 150 टोटल है, उसमें गर्ल्स मैंने 50 माइनस कर दी, तो कितने बचे 100, यानी हमें क्लास सेकंड से बॉयज पता लग गए कितने हो गए 100। अब इसके अलावा क्लास फिफ्थ की बात हो रही थी, ठीक है, तो फिफ्थ की बात करते हैं। क्लास फिफ्थ में देखिए स्कूल बी से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने निकल के आ रहे हैं, 200 है। अब क्लास आपकी फिफ्थ में गर्ल्स चेक कीजिए, यहाँ पे ये रही आपकी फिफ्थ क्लास और ये रहा बीच में, ये बीच में है, तो यानी 75 है आपका, यानी 75 गर्ल्स है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 200 है, 75 आपकी गर्ल्स है, 200 में से 75 गए तो कितने बचते हैं आपके 125, यानी बॉयज कितने आ जाएंगे 125। इन दोनों का सम कर दीजिए, क्यों कहा, क्या कहा था इसने, टुगेदर, तो 5 2 और 1 1 2, यानी 225 आ जाएंगे क्लास सेकंड और फिफ्थ के टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, स्कूल बी से बात हो रही है। अब इसकी परसेंटेज किसके साथ आपको कैलकुलेट करनी थी कि कितने प्रतिशत कम या ज्यादा होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके स्कूल बी में क्लास थर्ड एंड सिक्स्थ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की आपको जरूरत है, अगर क्लास थर्ड की बात करते हैं तो ये रहा स्कूल बी है, ये रहा, यानी 150 है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ क्लास थर्ड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 150 है, ठीक है, नीचे आप बार ग्राफ में देख सकते हो ये आपका मेंशन कर रखा है 150। अब आपकी क्लास सिक्स तो है, क्लास सिक्स में ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहे हैं कितने हैं, क्लास आपसे कौन सी पूछिए क्लास सिक्स के बारे में, तो आपके यहाँ पे 300 आएंगे क्योंकि वो ए का था ना, तो ये स्कूल बी की बात हो रही है, तो ये 300 आ जाएंगे, ठीक है, तो क्लास सिक्स में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 300। तो ये दोनों का सम कितना है 0 5 450। अब आपसे पूछा था कि कितने प्रतिशत कम या ज्यादा होंगे, इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए, डिफरेंस चेक करोगे यानी 25, यानी 225 का डिफरेंस इनके बीच आ रहा है। अगर 225 का डिफरेंस आ रहा है, सीधा सा आपको पता है कि इसका 225 यानी इसका हाफ है, यानी 50% कम है, ठीक है, 450 और 225 के बीच का डिफरेंस कितना है, 225 ही निकल के आ रहा है, यानी 50% सीधा सा है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, कितना कम है, 225 कम है, कहां से, ये वाले से, तो 450 गुना 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 में 45, 5 2 10। अब 9 से देखिए इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका एग्जैक्टली जाएगा नहीं, ठीक है, सॉरी ये चला जाएगा आपका, क्योंकि ये आपके इनका सम 9 आ रहा है ना, तो 9 2 18, 9 5 45, यानी 25 से, तो 25 2 50, तो 50% आपका राइट आंसर रहेगा। तो इसको आप ओरली भी बता सकते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ज्यादा कुछ हार्ड था नहीं इसके डीआई में, बस एक बेसिक कंसेप्ट था आपको बताने के लिए कि मिक्स डीआई में एक्चुअल में 2 डीआई का मिक्सचर आता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक डेली मॉक लगाया कीजिए, ठीक है, मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल है अगर आपका प्ले करेगा यहाँ पे एग्जाम में, क्यों करेगा, अगर आपके अभी तक बेसिक्स क्लियर ना, कोई बात नहीं, एक स्पीड बन जाएगी, एक मेंटेलिटी आपकी बन जाएगी, आप अब डेली बेसिस पे आपकी क्विज आती है, ठीक है, उन क्विजेस को लगा लीजिए, ठीक है। एक आप अगर बुक से तैयार कर रहे हो, मान लीजिए आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, अभी आपने परचेज नहीं किए, अगर किए हैं या ना किए आपको करने तो पड़ेंगे मॉक टेस्ट, अभी करो या बाद में करो, ठीक है, इससे बेटर रहेगा कि अभी कर लो, अगर नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी बुक है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिस सेट की बुक है, कोई भी बुक है आपके पास, जो भी है आपकी कुछ भी, ठीक है, उसमें आप एक टाइमर सेट कर लीजिए, टाइमर सेट यानी कि अपने स्टॉप वॉच लेके साइड में मोबाइल में चला के बैठ जाइए और फिर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, तो वो भी एक मॉक टेस्ट का ही काम करेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है, अगर आप कंप्यूटर के साथ फैमिलियर है तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने कंप्यूटर डे टू डे में यूज नहीं करते, कहीं ना कहीं यूज नहीं करते, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्यूटर पे ही ट्राई करें, कंप्यूटर पे भी कैसे करना है बहुत सारी वेबसाइट है, www.ibbsguide.com पे विजिट कर लीजिए, आपको ढेर सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मॉक टेस्ट अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो आप www.ibbsguide.com जाके विजिट करके अच्छे से चेक कीजिए, डेमो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो परचेज कीजिए, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जो कंटेंट क्वालिटी होती है ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, और एग्जाम में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको यहाँ पे पागल बना दिया जाए कि ये कर लो वो कर लो, ये एग्जाम में आएगा वो आएगा, और इजी चीजें अगर आपको अच्छे से समझा दी जाए आपको समझ भी आ जाएंगे, और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन अगर आपके सामने पुट करे तो आपको समझ नहीं आ रहा, तो दैट्स मीन कि कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, ये जरूरी नहीं कि कोई
भी पर्टिकुलर वेबसाइट अगर आप उसमें से मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके अच्छे खासे स्कोर आ रहे हैं, यानी 100 में से 60-70 स्कोर कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मे भी पॉसिबल हो कि वहां पे इजी लेवल के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हो, वो प्री में अगर हो भी गया तो क्या बड़ी बात है, मीन्स में तो अटको गया ना आप। तो पहले मैं तो यही कहता हूं बार बार कि अपने आप को पहले से प्रिपेयर करो टफ क्वेश्चंस के लिए, हार्ड क्वेश्चंस के लिए। अगर एग्जामिनर डाल भी देता है तो आपके लिए सरप्राइज ना हो, सरप्राइज उनके लिए हो जो ये पहले से सोच के बैठे हैं कि एग्जाम इजी आएगा। एग्जाम का कुछ भी नहीं है कि कह नहीं सकते, इजी वो उसके लिए है जो तैयार करके जाता है, हार्ड उसके लिए है जो प्रिपेयर करके नहीं जाता है, ठीक है। बाकी एग्जाम में कोई डिफरेंस ज्यादा होता नहीं, कहते हैं ना कि हार्ड एग्जाम आया था, बस डिफरेंस इतना होता है अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए इजी है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए हार्ड होगा। ये तो सीधी सी लॉजिकल बात है ना। इसके अलावा देखिए, प्रैक्टिस करना मत भूलो, प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा मेन की है बैंकिंग एग्जाम की, वही आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। और सुबह क्लास आती है 9 बजे, 11 बजे क्लास आती है, 3 बजे आपकी क्लास आती है। अभी 3 क्लासेस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा रखी हैं, चौथी क्लास के लिए भी अप्लाई कर रखा है, जैसे ही उसके लिए कंप्लीट कंफर्मेशन आ जाता है तो स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम के लिए, जो सबसे ज्यादा एक कहते हैं ना, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है अर्थमेटिक के टॉपिक्स के, जो आपके प्री में 10 क्वेश्चन आते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम के, अर्थमेटिक के, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपके लिए रखा जाएगा, यानी कि उससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ नहीं सकता, वो सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। बट वो क्या है ना कि अभी बच्चों का कहते हैं ना जुनून खत्म हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कभी किसी का आया नहीं अभी तक, SBI का नहीं आया या फिर कोई अदर बैंक का भी नहीं आया, तो कहते हैं ना थोड़ा सा टाइम में डिले कर रखा है कि थोड़ा करेंगे तैयारी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और अगर 2019 में अगर आप चाहते हो जॉब चाहिए तो ये बेस्ट टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने का, क्योंकि यहाँ पे आप बेसिक्स भी क्लियर कर सकते हो, अभी अपनी प्रैक्टिस भी सुधार सकते हो, स्पीड भी सुधार सकते हो, हर एक चीज इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी एग्जाम का ऑफिशियली आया नहीं है कि इस तारीख को एग्जाम है, यानी आपके पास सफिशियंट टाइम है, तो आप तैयारी कर लो, ठीक है। जितने भी आपकी सिली मिस्टेक्स हैं अभी तैयार कर लो, पूरे साल में फिर आप प्रैक्टिस करना, जम के अच्छे से प्रैक्टिस करना, और हर एक को पीछे छोड़ दो, ठीक है। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, बेसिक क्लियर कर लो, जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है किसी भी टॉपिक में, आप उसके अभी अपने आप को प्रिपेयर कर लो, उस पोर्शन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो, ताकि जब एग्जाम आए तब आपको दिक्कत ना हो। उस टाइम तक जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए ना, उससे पहले तो आप कम से कम 10-20-30 जितने भी मॉक लगा उसको लगा लो, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद तो फिर तो आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस ही मेन रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जितनी भी डाउट है शेयर किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डाप की जितनी भी डाउट है ना वो क्लियर करेंगे, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं, अगर आपकी डाउट ही नहीं क्लियर कर पाए तो हम यहाँ पे किस लिए बैठे हैं, ठीक है। शेयर करते रहा करो, मोटिवेशन हमें भी मिलता है, और थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि आपके को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाए, क्योंकि है रियल में एग्जाम में, देखिए बैंकिंग एग्जाम का एक मोटिवेशन सबसे ज्यादा भी कहीं ना कहीं जरूरी है। अपने आप को हर एक वे से प्रिपेयर रखो यार, क्योंकि एग्जाम में जितना सोच रहे हो ना कि अपन हार्ड होता है, उतना एक्चुअल में होता नहीं है, बस अपनी मेंटेलिटी ऐसी बना दी जाती है। ऐसे ही वो कहते हैं ना कि रूमर्स फैला दिए जाते हैं कि SBI सबसे टफ एग्जाम होता है, RRB सबसे इजी होता है, IBPS हार्ड होता है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, सारी चीजें इजी होती है, सिंपल होती है, बस अपने पे डिपेंड करता है हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। चीजों को सिंपली किया करो, और अपने आप से जो भी चीज है ना, पहले मैं कहता हूँ कंसेप्ट क्लियर करो, बेसिक्स क्लियर करो, इसके बाद कभी ट्रिक्स पे अप्लाई करना, ट्रिक्स पे मैं कहूंगा करो ही मत, अपने आप से कोई भी क्वेश्चन है उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्रिक एग्जाम में याद नहीं रहती। अगर आपको लगता है याद रहती हैं तो एक काम करो, आप थोड़ा सा एक मॉक टेस्ट आता होगा, फ्री का मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है, मॉक टेस्ट ऑल इंडिया लेवल का मिल जाएगा, आप वो ट्राई कर लो, ठीक है, ट्रिक के प्योर ट्रिक के साथ, यानी आप सारी ट्रिक अप्लाई करो, आप खुद देखना कि उस 20 मिनट में आपके माइंड में कितनी ट्रिक याद रहती है। कोई भी चीज है उस टाइम होता ये है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो वो चीजें उस टाइम में आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करती। आप सभी को पता है 20 मिनट होती है, 20 मिनट में अपना माइंड सिर्फ उस जो कोने में वो चल रही होती है ना यहाँ पे, उसकी तरफ सबसे ज्यादा फोकस रहता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने बेसिक्स क्लियर करो, कितने भी प्रॉब्लम आए देखिए अपनी अपनी डाउट है ना क्लियर करते रहा करो टॉपिक वाइज, ये मत सोचो कि कल करूंगा परसों करूंगा, और टॉपिक का तभी आगे करने में मजा